पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर निगम चुनाव का बिगुल बन चुका है, ऐसे में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। और कांग्रेस से हमारे सामने हमारे साथ मौजूद है अजीत रिजवान कुरैशी, जो चुनावी मैदान में मौजूद है। और सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं इस बार नगर निगम का जो खेला है उसे जीतने की। सबसे बड़ी तैयारी तो मेरी है, मेरी पहचान मुरादाबाद में। आज इस 6 साल में, 5 साल में एक्टिव पॉलिटिक्स में बच्चे बच्चे की जबान पर नाम है। और मैं देखता हूँ जो शक्ल से भी नहीं जानता वो नाम से जरूर पहचानता हूँ, उसका मुझे पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। चूँकि चुनाव में कम समय है बाकी कैंडिडेट्स को, उसका नुकसान। अच्छा, इससे पहले के चुनाव में आपके यहाँ 70,000 वोट इस बार फाइट कहाँ है? पिछली बार लोगों को आइडिया नहीं था कि मैं चुनाव मैदान में इस तरह से चुनाव लड़ रहा हूँ, जिस तरह से रिजल्ट आए थे इस बार। अब वो रिजल्ट आखिर के 3 दिन में हमें देखने मिला था, चुनाव के आखिर के 3 दिन में हमें एहसास हुआ था लोगों की मोहब्बत का। आज जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है, पहले दिन से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इस बार आप जीते, यही मेरी जीत की शुरुआत होगी। और आप जानते हो कि 20-25% वोट ऐसा होता है जो वक्त के साथ में, लहर के साथ में चला जाता है, वो वही हमारी जीत की पहचान। अच्छा, जो मुरादाबाद की पहाड़ अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि उन्हें 1722 करोड़ का भी जवाब देना है। उन्हें पेयजल की व्यवस्था, जो जगह जगह जो गंदा पानी पीने को मजबूर है उसका भी जवाब देना है। सड़कें जर्जर हालत में टूटी पड़ी हैं उसका भी जवाब देना है। तो कोई नया आता तो हमें ज़्यादा दिक्कत होती है, उनके आने से जीत हमारी इंशाल्लाह निश्चित होगी। समाजवादी पार्टी के लिए मैं पिछले दिनों कल से ये एक वीडियो वायरल हो रही है उनकी, किसी पुलिस के जवान ने उनसे अपनी टोपी उतार के रखने को कहा, तो उन्होंने और उनके बेटे ने टोपी उतार करके जेब में रख दी। मैं कहना चाहता हूँ मुरादाबाद के मुसलमानों से कि ये टोपी हमारी शान है, आन है, पान है, और जो अपनी टोपी की हिफाजत ना कर सके वो आपके वोटों की, आपकी बेटियों की हिफाजत कैसे करेंगे, बेटियों की इज्जत की हिफाजत कैसे करेंगे। मुरादाबाद के वोट को लेकर बहुत सारे ऐसे चुनावी मुद्दे हैं, आपके क्या चुनावी मुद्दे हैं? हमारे चुनावी मुद्दे लोकल, क्योंकि लोकल बॉडीज का चुनाव है, मुरादाबाद की आवाम को सबसे पहले जान से छुटकारा देना, मरूने की आवाम को जो संभल चौराहे का पुल बन पड़ा है उसे चालू करना और उसको चौड़ीकरण के लिए हम काम करेंगे। पेयजल की व्यवस्था मुरादाबाद की आवाम के लिए, साफ पानी पीने को मिलेंगे। हमारा एक स्लोगन है हाउस टैक्स हाफ वाटर टैक्स माफ, क्योंकि हाउस टैक्स पूरे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से ज़्यादा कहीं नहीं है। हम हाउस टैक्स को हाफ करने की पूरी कोशिश करेंगे और वादा है हमारा पूरा करके दिखाएंगे। वाटर टैक्स, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह पाक ने जब पानी पे कोई टैक्स नहीं लगाया तो उसका मतलब तो हवा में भी कल को टैक्स लगा दोगे, तो वो पानी का टैक्स खत्म कर देंगे। ये हमारे मुद्दे होंगे और इन्हीं मुद्दों के साथ हम चुनावी मैदान में उतरे। बहुत ज़्यादा जमाने से एक होता मुरादाबाद का रामगंगा नदी पर बांध, और मैं उसमें एक चीज़ और जोड़ता हूँ कि रामगंगा नदी पर बांध और उसके साथ में पिकनिक पॉइंट कर लेता हूँ, मेरा प्रेफरेंस वो मुद्दा होगा। इसके अलावा मैंने ये देखा कि मुरादाबाद में हम जब इम्पीरियल चौराहे से बाजार की तरफ तो निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हम यूक्रेन में आ गए, जैसे बमबारी हुई है वहाँ। तो मैं इस मौजूदा ट्रिपल इंजन की सरकार से एक सवाल करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये 100-150 साल पुराने लोगों को उजाड़ कर कौन सा शहर बसाना चाहते हैं? अगर उन्हें ऐसा ही करना था तो आप नया मुरादाबाद कब से प्रस्तावित है नहीं बस पा रहे हैं, आप वहाँ छूट देते लोगों को, आप टैक्स की छूट देते, आप रजिस्ट्री में छूट देते तो नहीं बचते लोग, आप वहाँ हाईटेक सिटी बस बसाते। मैं भी हैदराबाद गया था, पुराना हैदराबाद एज इट इज ऐसे ही बसा हुआ है और उन्होंने नया हैदराबाद हाईटेक बना दिया है कि शायद मुझे लगता है कि मैं पेरिस में आ गया। तो आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते, क्यों 150 साल पुराने लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि और जो ये वाला चुनाव देखिए, कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और पहले भी कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ा था, आज भी कांग्रेस पार्टी से,
और कांग्रेस पार्टी के बिना रिजवान सुरेशी का पूर्व वजू से ये सच्चाई है और मैं अपनी पार्टी की उसी तरह से समर्पित हूँ जिस तरह से मैं अपने धर्म और मतलब के लिए समर्पित हूँ और आगे भी आप देखेंगे तो मैं अपनी पार्टी से सहयोग करूँगा। उनको जनता का समर्थन आप देखना होगा कि मुरादाबाद नगर निगम के जो पास है उस पर बहुत ज्यादा ही आने वाला वक्त अपने सहयोग के साथ में मुरादाबाद पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।